सीरीज में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपके जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो बीकॉम एंट्रेंस, सीयूईटी, एमकॉम एंट्रेंस, इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज पास्ड इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कब पास्ड किया गया, 1956, 1957, 1932 की 1872। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कब पारित किया गया, कब पास्ड किया गया, तो 1932 में, 1932 में इसको पारित किया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होता है टू और मोर पर्सन का, जो फॉर्म्ड किया जाता है टू ए कैरी अ बिजनेस टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ। पार्टनरशिप क्या होता है? एक एसोसिएशन होता है, एक संगठन होता है, जो कि क्या दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं। किस पर्पज के लिए? अर्निंग प्रॉफिट के लिए। दूसरा है रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। सी है डिस्चार्जिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। डी नन ऑफ दी अबव। एक पार्टनरशिप क्या होता है? वो इसलिए एसोसिएशन बनाता है, किस लिए? ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कौन मेंबर बन सकता है एक पार्टनरशिप फर्म का? एक कंपनी, एक इंडिविजुअल, एक जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, कि नन ऑफ दीज। तो क्या है, एक इंडिविजुअल, कोई भी बंदा क्या है, वो पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बन सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, हु कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन द फर्म। एक जो होता है, एक फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, अगर वो माइनर है, मीन्स 18 से कम है, ये मैरिड वोमेन, एलुनेटिक की, नन ऑफ दी अबव। तो कौन पूछा है बन नहीं सकता है? तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एलुनेटिक कैन नॉट बिकम ए पार्टनर ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या एसेंशियल होता है एक पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश करने का, क्या इंपॉर्टेंस है? ए कह रहा है एक एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, बी कहता है एक लॉफुल बिजनेस, सी कहता है कंसेंट ऑफ टू और मोर पर्सन की, डी ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आप क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो उसमें क्या सबकी सहमति जो है, कंसल्टेशन जो है, वो ज़रूरी है। तो कंसेंट ऑफ टू और मोर पर्सन, दैट इज सॉरी फिफ्थ का हो जाएगा आपका डी, सारी चीज़ें हमें चाहिए। क्या मतलब, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो ऐसी केस में हमें क्या चाहिए, एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स के बीच में चाहिए, वो एक लॉफुल मीन्स पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू पास्ड होना चाहिए, तीसरा सारे सभी लोग के सहमति से होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर हम बात करें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन द केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस। पूछ रहा है एक अगर बैंकिंग बिजनेस है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना रहेंगे, 10, 20, 15 की, नन ऑफ दीज। तो अगर मैक्सिमम नंबर पूछा है बैंकिंग बिजनेस में, तो सिक्स का आंसर हो जाएगा, कितने होने चाहिए, 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन है, द मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म को कॉन्स्टिट्यूट चलाने के लिए हमारे पास मिनिमम कम से कम कितने मेंबर चाहिए, 20 चाहिए, 10 चाहिए, 7 चाहिए कि 2 चाहिए। तो हमें कितना चाहिए, दैट इज़ दो मेंबर कम से कम तो होना ही चाहिए, जिसमें हम क्या कर सकें, पार्टनरशिप फर्म को कॉन्स्टिट्यूट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन एनी बिजनेस अदर देन द फर्म। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए अगर वो बिजनेस के अलावा और कोई फर्म हो, 7, 15, 20 की, नन ऑफ दीज। तो एट का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 20 पार्टनर्स चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन है, एवरी पार्टनर जो होता है प्रोप्राइटर या ऑनर ऑफ द फर्म होता है, कि बी एजेंट ऑफ द फर्म होता है, कि बोथ ए एंड बी की, नन ऑफ दी अबव। हर पार्टनर जो होता है वो क्या होता है, वो एक ऑनर ऑफ द फर्म भी रहता है और एजेंट भी होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन है, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है वो क्या रिटन होता है, ओरल होता है, कि आइदर रिटन और ओरल की, नन ऑफ दिस। तो भाई जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी होता है और ओरल भी होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कंटेन्स द रूल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म। इसमें से ऐसा कौन सा ये एक्ट ये बताता है कि हमें एक पार्टनरशिप में, फर्म में, मैक्सिमम नंबर्स होने चाहिए इतने। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल नहीं है, तो उसकी बात कर रहा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, कि बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज योर बी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, पार्टनरशिप जो होता है वो क्रिएट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, सर्कमस्टांसिस के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, कि लॉ ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट किया कि जब हम एक पार्टनरशिप फॉर्म को बनाते हैं तो वहाँ क्या होना चाहिए, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दैट इज 12th का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज अ स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं, द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, बी द पार्टनर हु हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, सी है द पार्टनर हु डज नॉट डिमांड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट, की डी ऑल ऑफ द अबव। तो भाई स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस के किसी भी ऑपरेशन में क्या होता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसे हम बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, एक फर्म इज डिसॉल्व, एक फर्म कब डिसॉल्व हो जाता है, जब क्या हो जाए, द टर्म ओवर हो जाता है, या किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, या इन केस ऑफ डेथ ऑल बट वन पार्टनर। तो एक फर्म को डिसॉल्व हम तब करते हैं इन केस ऑफ डेथ या ऑल बट वन पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जे के एल और एम इक्वल पार्टनर्स हैं, जे के एम जो है वो डाइड हो गए रेल एक्सीडेंट में, तो एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या होगा, डिसॉल्वेशन ऑफ द फर्म, डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप, किसी बोथ एंड बी की नन ऑफ दी अबव। तो ऐसी केस में क्या होगा, फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा और दूसरा पार्टनरशिप को भी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 16, ए रिटायर पार्टनर क्या होता है, कंटिन्यू करता है टू बी लाइबल टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, अगर वो क्या है पब्लिक नोटिस डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस टू दिस अफेक्ट, बी कहता है इफ ही हैज नॉट क्लियर ड्यूज ऑफ द फर्म, सी कहता है कि अगर ही हैज इफ ओनली 3 months have passed after his retirement, all of the above। तो एक रिटायर पार्टनर जो होता है कंटिन्यू करता है अपनी लेबल towards third party, that is option number A, if he does not give a public notice into a this effect। Next है R, M और P partner हैं, P dies in accident, तो उसका result क्या होगा, dissolution of the firm, dissolution of partnership, both A and B की none of these, तो 17 का answer हो जाएगा, that is option number B, dissolution of partnership। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फॉर अ पार्टनर ऑन हिज डेप्ट अमाउंट एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ डेट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पार्टनर का क्या होगा इन द एब्सेंस ऑफ अ डी, 3%, 9%, 6% की 12%, तो 18 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, कि लिमिटेड नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, की लाइबिलिटीज ऑफ सम पार्टनर्स आर लिमिटेड, की लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर। तो लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो पार्टनरशिप्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनकी लाइबिलिटीज क्या होती है, एक लिमिटेड होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 920 की बात करें, अंडर पार्टनरशिप बिजनेस एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को कब ट्रांसफर कर सकता है, वॉलेंट्री विद द कंसेप्ट ऑफ मतलब सारे पार्टनर्स की सहमति से, कि पार्टनर्स के प्रेशर से, कि नॉन ऑफ दी अबव। तो 20 का आंसर हो जाएगा, दैट इज बी, सारे पार्टनर के कंसर्न से हम क्या कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप बिजनेस में एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, कि फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी पार्टनर, बी कहता कोई भी पार्टनर फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट फर्म, कि सी है कोई भी पार्टनर कैन फाइल अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, की ऑल ऑफ दी अबव। तो पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा, दैट इज सारे के सारे सिचुएशंस फॉलो किए जाएंगे एक फर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है, पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्टेंस में कब लाता है, जब द विल ऑफ पार्टनरशिप, द विल ऑफ मैनेजमेंट, बोथ ए एंड बी की नन ऑफ दी अबव। तो पार्टनरशिप फर्म जो है एग्जिस्टेंस में तभी आता है जब, जबकि दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द विल ऑफ अ पार्टनरशिप, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 23, पार्टनरशिप एंड्स विथ इशूइंग इन्फॉर्मेशन इन द रिगार्ड पार्टनरशिप, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ऑफ सच अ पार्टनरशिप, कि वहाँ पर पार्टनरशिप बेस्ड होता है प्योरली ऑन विल, कि फिर कह रहा है कि पार्टनरशिप इज फॉर लिमिटेड पीरियड, तो पार्टनरशिप एंड्स विद इशूइंग इन्फॉर्मेशन इन द रिगार्ड, जबकि क्या होता है 23 का ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी,
पार्टनरशिप इज बेस्ड प्योरली ऑन विल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस को हम क्या कहेंगे? जनरल पार्टनरशिप, स्पेसिफिक पार्टनरशिप, वॉलेंट्री पार्टनरशिप की लिमिटेड पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप हम कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक पार्टनरशिप. नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ 20% डूइंग बिजनेस विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन. 20% जो है वो बिजनेस कर रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन को, उसको हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे, प्राइवेट कंपनी कहेंगे कि पब्लिक कंपनी कहेंगे कि वो इलीगल एसोसिएशन है. तो 25 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर यू, वो क्या हो जाएगा, वो एक पार्टनरशिप हो जाएगा. नेक्स्ट है, ए पार्टनर हैविंग नो स्टॉक्स इन द फर्म, उसे हम क्या कहेंगे? इनएक्टिव पार्टनर, माइनर पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर की एक्चुअल पार्टनर. एक पार्टनर जिसके पास कोई भी स्टॉक्स नहीं है फर्म में, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज इनएक्टिव पार्टनर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, एक पार्टनरशिप लीगली नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया. जनरल पार्टनरशिप, स्पेसिफिक पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप की वॉलेंट्री पार्टनरशिप. तो एक पार्टनरशिप लीगली जो रिकॉग्नाइज नहीं होता है इंडिया में, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, लिमिटेड पार्टनरशिप. नेक्स्ट है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो सही, सॉरी इनकरेक्ट है. फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है, पार्टनरशिप रिमेन इंटैक्ट. पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, फॉर्म रिमेन इंटैक्ट. पार्टनरशिप डिसॉल्व, फॉर्म इज आल्सो डिसॉल्व. कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज फॉर द डिसॉल्वेशन ऑफ द फर्म इज नॉट नेसेसरी. इसमें से कौन सा गलत है पूछा है, तो 28 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बट फॉर्म रिमेन्स इंटैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक माइनर जो एक फर्म का होता है, कैन नॉट मेड बी अ पार्टनर. बी है, इट कैन बी मेड अ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स. सी है, इट कैन बी मेड अ पार्टनर एज अ एडल्ट अर्नमेंट. एंड डी कह रहा है कि इट कैन बी मेड पार्टनर ओनली इफ इट्स मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. तो देखो, एक माइनर जो होता है एक फर्म का, तभी वो बन सकता है पार्टनर जब क्या हो, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, तभी वो क्या हो सकता है, एक माइनर एक फर्म पार्टनर बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रॉफिट शेयरिंग जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप का? एक एसेंशियल है, ओनली ऑब्जेक्टिव है, एक फाइनल रिजल्ट है, नॉट वेल डिफाइंड. तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग जो है एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, किसका, पार्टनरशिप का. ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. नेक्स्ट पार्ट 2 में और 30 या 50 क्वेश्चंस को हम ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे. और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बीकॉम, एमकॉम एंट्रेंस, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे.